मेड फैक्ट्स टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान भरी MH370 फ्लाइट के रहस्य के बारे में। दुनिया की सबसे रहस्यमय और दिल दहला देने वाली घटनाओं में से एक है जिसमें यात्रियों से भरा जहाज अचानक गायब हो जाता है। इस जहाज को जमीन निगल गई या आसमान निगल गया, ये कोई नहीं जानता। ये बात है 8 मार्च 2014 की मलेशिया एयरलाइंस के एक विमान MH370 रात 12:42 पर राजधानी कुआलालंपुर से उड़ान भरती है और अगले 5.5 घंटों में इस फ्लाइट को बीजिंग पहुंचना है। ये फ्लाइट इस रूट पर आमतौर पर चलती रहती थी। इस विमान में कुल 239 लोग सवार थे जिसमें 227 यात्रियों के साथ साथ 12 चालक दल के सदस्य भी शामिल थे। इनमें सबसे ज्यादा संख्या चीन के यात्रियों की थी। 27 साल के फारिक अहमद इस फ्लाइट के पायलट थे और यह उनकी आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट थी। इसके बाद वह बनने वाले थे फुली सर्टिफाइड पायलट। उनके साथ मौजूद थे 53 साल के पायलट इन कमांड जाहिरी अहमद शाह, जो कि एक अनुभवी पायलट है। जब विमान ने जब टेक ऑफ किया था तो सब कुछ सामान्य ही था। फ्लाइट 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई थी। यह फ्लाइट अभी भी कुआलालंपुर के ATC के संपर्क में था और रात के 1:19 पर फ्लाइट वियतनाम के एयर स्पेस में प्रवेश करती है और विमान अपने रूट पर था। उस दौरान पायलटों ने वियतनाम के एयर ट्रैफिक के साथ बात भी की थी और यह बात विमान से आने वाली आखिरी बात थी। वियतनाम एयर स्पेस में पहुंचने के करीब 2 मिनट बाद यह फ्लाइट कुआलालंपुर ATC की रडार से गायब हो जाती है। अब कुआलालंपुर ATC के लिए यह एक नॉर्मल बात थी क्योंकि यह फ्लाइट उनसे बहुत दूर वियतनाम एयर स्पेस में पहुंच चुकी थी। लेकिन रहस्यमय तरह से यह फ्लाइट वियतनाम की होची मिन ATC के रडार से भी गायब हो जाती है। होची मिन ATC बार बार इस फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश करती है लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है। होची मिन ATC इस गायब हुए प्लेन के बारे में तुरंत कुआलालंपुर ATC को बताती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह फ्लाइट क्यों, कैसे और कहां गायब हो गई और इस घटना के बाद फ्लाइट MH370 बन जाती है इतिहास की सबसे बड़ी रहस्यमय घटना। जमीन पर मौजूद अधिकारियों ने अगले कई घंटों में कई बार विमान तक पहुंचने का प्रयास किया। सभी को लग रहा था कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट से संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और सुबह 6 बजे इस फ्लाइट को बीजिंग में लैंड कर जाना चाहिए था लेकिन यह फ्लाइट वहां पहुंची ही नहीं। तुरंत इस फ्लाइट को खोजने के लिए एक सर्च अभियान चालू किया जाता है और जहां पर फ्लाइट से आखिरी बार संपर्क टूटा था उस जगह के कई 100 किलोमीटर के दायरे में समुद्र में छानबीन की जाती है। यह सर्च अभियान इतना बड़ा था कि इस फ्लाइट को ढूंढने में 7 देशों ने अपने अपने शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को इस सर्च अभियान में शामिल किया। इस प्लेन को ढूंढते ढूंढते करीब 3 दिनों से भी ज्यादा का समय गुजर जाता है लेकिन खोजी दल को इस फ्लाइट का कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता है। इस घटना के करीब 4 दिन बाद 12 मार्च 2014 को इस फ्लाइट से संबंधित एक और रहस्य सामने आता है जिसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल यह फ्लाइट सिविलियन रडार से तो गायब हो चुकी थी लेकिन अभी भी मिलिट्री की एक रडार इस फ्लाइट को ट्रैक कर रही थी। इस फ्लाइट के बारे में मिलिट्री की रडार से मिले डाटा ने सबको चौंका दिया। दरअसल मिलिट्री रडार के डाटा के अनुसार जब यह फ्लाइट वियतनाम एयर स्पेस में पहुंची और सिविलियन रडार से गायब हुई उसके बाद इस फ्लाइट ने राइट टर्न लिया और उसके बाद यू टर्न लेकर वापस मलेशिया की ओर उड़ने लगी और 31 मिनटों के बाद जहाज ने पिनांग शहर को पार करते हुए मलक्का स्ट्रेट की ओर टर्न लिया और यह फ्लाइट अंडमान और निकोबार आइलैंड की ओर उड़ने लगी। तभी मिलिट्री की रडार ने इस जहाज को ट्रैक किया। उसके बाद जहाज मिलिट्री की रडार की पहुंच से भी दूर निकल गया। अभी तक जिस जगह पर प्लेन को ढूंढा जा रहा था वहां तो कोई प्लेन था ही नहीं। खोज दलों ने बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। फ्लाइट MH370 गायब होने के 6 महीने बाद पश्चिमी हिंद महासागर में मलबे के कई टुकड़े बहकर तट पर आ गए थे। इनमें से कई के MH370 के होने की पुष्टि की गई लेकिन आज तक विमान की बॉडी और इसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। इसमें सवार सभी लोगों को मृत मान लिया गया है।
फ्लाइट MH370 आज भी रहस्य बनी हुई है। ये ऐसा प्लेन क्रैश था जिसमें प्लेन का ही पता नहीं चला, एक ऐसी आपदा जिसके बारे में आज तक नहीं जाना जा सका कि इसमें सवार लोगों का क्या हुआ, एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हुई लेकिन अभी तक इसका अंत नहीं हो सका है। हमें आशा है कि वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। धन्यवाद।